हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैग एंड नॉट एक स्टडी। आज मैं आपको स्टडी जी के सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले एक पार्ट में ला चुका हूँ एंड जो कि मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड इससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल प्रेस भी कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था इंडिया में? जो है एनी बेसेंट। यार एनी बेसेंट कहाँ की थी? ये यूके यानी कि लंदन की थी। ओके, सो इतना ही बस ओनली पता होना चाहिए। और सेकंड है, चेनाब झीलम इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? सहायक नदी। यानी कि चेनाब और झीलम की सहायक नदी कौन सी है? वो है इंडस यानी कि सिंधु नदी। और यार ना सिंधु इंडस नदी है, वो सिंधु नदी वो कहाँ की है? वो पाकिस्तान की। बिकॉज कैला सरोवर से निकलती हुई इंडिया से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है। ओके, और थोड़ा बता देता हूँ इनके, इस नदी के बगल में ही सिंधु सभ्यता भी हुई थी। हो सिंधु घाटी सभ्यता भी। एंड सहायक नदी, इसकी भी पांच सहायक नदी हैं। कौन है वो है ब्यास, सतलज, रावी, झेलम और छेनाब। और ये पांच नदियों के कारण ही इसलिए पंजाब को पांच नदियों का राज्य कहा जाता है। ओके, सो ये नेक्स्ट आते हैं। हु इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन कमीशन? नेशनल वुमेन कमीशन के जो अंदर पहले मेल कौन था? तो वो है आलोक रावत। कौन था? आलोक रावत। इतना ही बस पता होना चाहिए आपको। विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजीनस कंपाउंड फ्रॉम ब्लड? सिंपल है, जो कि ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? तो वो करता है किडनी। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन करता है, किडनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल? सॉइल की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछे जाते हैं। इन विच ईयर आर्यभट्ट लॉन्च्ड? आर्यभट्ट किस ईयर में लॉन्च हुआ था? वो है 1975। और मैं बता देता हूँ, आर्यभट्ट यार ना, आर्यभट्ट ने भी शून्य का आविष्कार किया था। ये माना जाता है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। और याद रखना जी, जो लॉन्च हुआ था 1975 में, वो रशिया की मदद से हुआ था। इनफैक्ट ये रशिया ने ही लॉन्च किया था। सो दैट ये पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया था? इंडिया में लॉन्च हुआ था बट किसने किया था? रशिया ने। ओके, रशिया की मदद से लॉन्च हुआ था। सो 1975 में किया था। व्हाइल रेनिंग अ टाइप ऑफ स्मेल कम्स नोन एज? जो बारिश होती है इसमें जो खुशबू आती है उसको क्या बोला जाता है? बोलते हैं पैट्रिकोर। पैट्रिचोर बोलते हैं, पैट्रिकोर ही बोलते हैं। ये वर्ड है थोड़ा डिफरेंट, इसमें ये भी बोल सकता है पैट्रिकोर। सो पैट्रिकोर बोलते हैं। एंड देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। और ये मैं बताता हूँ, सॉइल में और किसके कारण होता है ये भी अभी तक पता नहीं है, बट ये भी बताया जाता है कि बैक्टीरिया के कारण के, और अलग अलग थ्योरी हैं इसकी भी, काफ़ी थ्योरी अलग अलग बोला जाता है इसमें। वैसे कि सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण ये इस टाइप की। और इसमें याद रखना, इसको जो परफ्यूम भी बनता है, यानी ये परफ्यूम भी बनता है यूपी में, काफ़ी इस टाइप का ये नाम भी है पैट्रिको, ये परफ्यूम भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी किसने बनाई? तो वो है ब्रैंडन मैकुलम है। किसने? ब्रैंडन मैकुलम है। अभी पूछा कि ओडीआई में यानी वनडे में किसने बनाया है? तो वो है एबी डिविलियर, साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर। ओके, और थोड़ा बता देता हूँ वो नॉलेज के लिए कि 2020 में फर्स्ट 100 किसने बनाई है? वो है एरॉन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के हैं, 47 बॉल पे। एंड जो टेस्ट में डबल सेंचुरी सबसे वो फास्टेस्ट बनाई थी, वो किसने बनाई है? वो है, अभी तो नहीं खेलते, नाथेल स्टल ने बनाई थी। एंड जो और ओडीआई में जो डबल सेंचुरी बनाई थी फास्टेस्ट, वो क्रिस गेल ने बनाई थी। ठीक है, ये आपको नहीं पता मुझे। अब नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली वाज मेड कैपिटल इन विच ईयर? ओके, जो दिल्ली है वो कैपिटल किस ईयर में बनी थी? वो है 1931। किस ईयर में? 1931। और दिल्ली से पहले कैपिटल क्या थी? वो है कैलकटा थी। बस इतना ही पता मुझे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासा? नासा का नाम फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो नासा का है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और ये नासा वो
कहाँ की है, किस कंट्री की है, वो है अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। सो इम्पोर्टेंट, विच गैस इज़ फिल्ड इन बैल्यून, कौन सी गैस है जो कि बैलून में भरी आती है? तो वो है हीलियम। अब हीलियम क्यों भरते हैं? बिकॉज ये हल्की गैस होती है, इसलिए ये हवा में बैलून उड़ जाता है। और याद रखना, इससे हल्की तो हाइड्रोजन भी होती है, बट हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरते? तो ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते क्योंकि हाइड्रोजन आग पकड़ लेती जल्दी, इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरते, इसलिए हीलियम फिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। विच आर्टिकल हैज़ प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? नेशनल इमरजेंसी के लिए जो प्रोविजन है वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो अपन कह सकते हैं आर्टिकल 352, यानी 352। और याद रखना, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लगा है, ठीक है, 3 बार लग चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। वो फर्स्ट 1962 में, फर्स्ट 1962 में, जो कि भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, इसमें हम हार गए थे। ओके, और सेकंड जो इमरजेंसी लगी थी वो थी 1971 में, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और जो लास्ट थर्ड जो नेशनल इमरजेंसी लगा था वो 1975 में, इसमें इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ओके, नेशनल इमरजेंसी। और जो कि कब तक चली थी, वो चली थी 1977 तक। तो ये नॉर्मल आपको पता नहीं चाहिए, डीपली नहीं, थोड़ा इतना तो पता होना चाहिए। 13, पूना पैक्ट एक्ट वॉज साइन विच ईयर? पूना पैक्ट एयर किस ईयर में साइन हुआ था? तो वो कह सकते हैं 1932 में। और पूना पैक्ट एक्ट क्या होता है बताता हूँ। जो अंग्रेज अंग्रेज क्या करते थे, हमें बांटते थे आपस में बांटते थे, इसमें ऐसे कि धर्म के बेस पे, जात पात के बेस पे इस टाइम बांटते थे, जो कि थोड़ा बताए, जो कि भीमराव अम्बेडकर ने सजेस्ट किया था, कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोलेट यानी कि होने चाहिए भारत में। ओके, जो कि ऐसे कि इसलिए होने चाहिए यानी कि जो नीची जाति होती है, ऐसे कि मैं बता देता हूँ, यानी कि SC ST है। ओके, लेकिन जो गांधी जी है ना, वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने अनशन पर बैठ गए थे वो, ठीक है, अनशन पर बैठ गए थे। फिर उसके बाद भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें मनाया और बस फिर उनका कंप्लीट, उनका ये पूना पैक्ट एक्ट ये चालू उस टाइम में लगा था, तो ये सही हो गया था कंप्लीट। और बस इतना ही होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटम नंबर क्या है? तो नॉर्मली इसका नंबर 8 है। बस नेक्स्ट पार्ट और मैं लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आऊंगा। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। थैंक